लीडरशिप मैनेजमेंट में हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस टू नर्सिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, यानी आपने बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शंस देखने हैं कि जो मैनेजमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो किस तरह से काम करती है। हमारे पास जो ये कॉन्टेक्स्ट है ये असल में हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हॉस्पिटल है, तो हम जो मैनेजमेंट देखेंगे वो एक दरअसल हॉस्पिटल की मैनेजमेंट होगी, स्पेसिफिकली नर्सिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी जो हॉस्पिटल में नर्सिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आपने बेसिकली नर्सिंग डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, ये जो वर्ड है स्ट्रेटेजिक, इसका मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। स्ट्रेटेजिक हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से मुराद है 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी इस तरह की जो प्लानिंग होती है, जो 10, 15 या 20 सालों की प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म कहते हैं उसे, या उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। स्ट्रेटेजिक इज ऑलवेज रेफरिंग टू लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करेंगे, स्पेसिफिकली वो नर्सिंग मैनेजमेंट है किसी एक हॉस्पिटल में जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी जब भी इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए दैट मीन्स हॉस्पिटल। तो यूनिट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजीज मैनेजर्स यूज टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप किस तरह से अचीव करते हो। यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं, यानी हॉस्पिटल के अंदर जितना भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मेडिसिन हैं, मशीन्स हैं, सिरिंजेस वगैरह जो भी यूज़ हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जितने एम्प्लॉई है, जितने नर्सेस काम कर रहे हैं, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स है। उसके बाद एज अ नर्स मैनेजर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है एक नर्स मैनेजर को, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इवेल्युएटिंग, ये सारे काम करने पड़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजर, एक अच्छा नर्सिंग मैनेजर किस तरह का होता है, उसमें क्या खसूसियात होती हैं। डिस्कस सम सिलेक्टेड मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है नर्सिस में, क्या मैनेजरियल रोल है। डिस्कस हाउ अ नर्स मैनेजर मॉनिटर्स एंड फंक्शन ऑफ हिज एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक नर्स के अंडर जितना भी एरिया आता है उसको किस तरह से चला रहा है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होते हैं, उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कहते हैं कि सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन लर्निंग एंड यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शन। अच्छा, अच्छी मैनेजमेंट करना, अच्छा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना डिपेंड किस पे करता है, कि आप नई चीज़ें सीखें और उनका इस्तेमाल करें, उनको अपने इस्तेमाल में लाएं। द फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एक मैनेजर का काम यही होता है कि वो प्लान बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ मुकर्रर करता है कि उसमें कौन कौन लोग काम करेंगे, डायरेक्टिंग कौन लोग क्या काम करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना, और कंट्रोलिंग लोगों को कंट्रोल करना, क्या काम करना है, क्या नहीं करना और किस तरह से करना है। एक मैनेजर का काम यही होता है। देखिए, मैनेजर का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता दूं मैं, मैनेजर का काम ये होता है कि वो और लोगों से काम करवाता है। ठीक है, यानी और लोगों से काम करवाने को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजर खुद कुछ नहीं करता, मैनेजमेंट और लोगों से काम करवाता है, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और लोगों से काम करवाना, यही मैनेजमेंट होती है। एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप बता दो कि ये काम करने हैं, तो काम वो ग्रुप करता है, लेकिन मैनेजर आप हो। मैनेजर वो बंदा है जो अपने अंडर उसके लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजर या दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। दीज फंक्शन रिप्रेजेंट दीज एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड ऑफ मैनेजर्स इन ऑल फील्ड। किसी भी फील्ड का मैनेजर हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजर हो या किसी कंपनी का मैनेजर हो, और लोगों से काम करवाएगा वो। ठीक है, नर्स मैनेजर हो, यूज द सेम फंक्शन एज दे फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक नर्सिंग मैनेजर भी, उसके नीचे जितने भी नर्सेस काम करते हैं, उन सब नर्सेस से काम निकलवाना, यही नर्सिंग मैनेजर का काम होता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एवरी इंडिविजुअल वर्क्स इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टू अचीव व्हाट ही कैन नॉट अचीव इंडिविजुअली। अगर एक बंदा अकेले काम नहीं कर सकता तो वो इस तरह का ग्रुप बना लेता है। ठीक है,
तो इस तरह ग्रुप की शक्ल में काम करना, इसको मैनेजमेंट कहते हैं, ग्रुप की फॉर्म में काम करना। मैनेजमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एक्टिविटी। अब वो चाहे फैमिली का ग्रुप हो, प्ले ग्रुप हो, कोई काम करने का ग्रुप हो, स्कूल के अंदर कोई ग्रुप है, बिजनेस फर्म बनी हुई है, कोई कंपनी है, एक गवर्नमेंट का कोई ग्रुप बना हुआ है, हुकूमत चला रहा है, तो कोई भी ऐसा ग्रुप हो और उस ग्रुप में हर किसी को अलग अलग काम दिया हो, इसको मैनेजमेंट कहेंगे। और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, पूरी दुनिया में मैनेजमेंट होती है। वेर एवर देयर इज ह्यूमन एक्टिविटी देयर इज मैनेजमेंट। जहाँ पर भी लोग मिलकर काम करेंगे वहाँ मैनेजमेंट लाजमी होगी। मैनेजमेंट इज लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मैनेजमेंट को आप एज अ नाउन देख सकते हो, एज अ प्रोसेस, एज अ डिसिप्लिन देख सकते हो। मैनेजमेंट एज अ नाउन है, क्या मतलब? नाउन क्या होता है? एक नाम होता है। लेट सपोज आपका कॉलेज है, ठीक है। अब आपका कॉलेज का कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, कोई वाइस प्रिंसिपल होगा, कोई टीचर्स होंगे, ठीक है, कोई प्रॉक्टर होगा बीच में, कोई डिसिप्लिन इंचार्ज होगा। तो ये जो आप लोगों की इंचार्ज बने हुए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, ये सारा, इसको एज अ एक नाम दिया जाए तो मैनेजमेंट कहलाएगा। इन सब लोगों को इकट्ठा कर दो, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। दैट इज मैनेजमेंट एज नाउन। ऑल दोज पर्संस हु आर कंसर्न्ड विद गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्या कहते हैं? गेटिंग द थिंग्स डन विद अदर्स, और लोगों से काम करवाते हैं, वो तमाम लोग जो बाकी लोगों से काम करवाते हैं, उन लोगों को मैनेजमेंट कहते हैं एज अ नाउन। इट इज़ अ ह्यूमन रिलेशनशिप कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई MD, GM, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इन सब को एक नाम दिया जाए तो वो मैनेजमेंट कहलाएगा। अच्छा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस, एक काम को भी कहते हैं। कैसे? ऑल दैट मैनेजर डज, मैनेजर जो काम कर रहा है, लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फैसले लेता है, ये जो प्रोसेस है कि लोगों को काम देना, लोगों से काम लेना, लोगों की इवेल्युएशन करना, इस प्रोसेस को भी मैनेजमेंट कहते हैं। प्लान करना, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तमाम चीज़ें भी मैनेजमेंट है। और अगर एक एज अ डिसिप्लिन देखते हो, एज अ फील्ड देखते हो, कि मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन है, एज फील्ड है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। जैसे कि लोग BBA, MBA या MS इन मैनेजमेंट करते हैं, ये भी एक फील्ड है, इसको पढ़ा जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है, इसके असूलों को समझा जाता है, तो एज अ फील्ड भी मैनेजमेंट होती है। फिर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। एक फंक्शनल कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, एज अ फंक्शन, टू मैनेज इन टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कहते हैं फोरकास्ट करो, एक फ्यूचर के बारे में देखो, फ्यूचर को फोरकास्ट करो कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, तो उसके लिए प्लान करना, उसके लिए चीज़ों को या फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए स्टाफिंग पकड़ना, लोगों को पहले से रेडी कर लेना, उनको कमांड देना, कोऑर्डिनेट कर लो, कंट्रोल कर लो, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। कि फ्यूचर के बारे में लोगों को पहले से तैयार रखो, अपनी तैयारी पूरी रखो। एक ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट होता है, आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। लोगों को डायरेक्शंस दो, लोगों को बताओ तुमने ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, वैसा करोगे वो रिजल्ट आएगा, इस तरह डायरेक्शंस देते हैं, लोगों को तरीका बताते हैं कि इस तरह से कर लो। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, और लोगों से काम करवाना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। खुद कुछ ना करना, और लोगों से काम करवाना, मैनेजमेंट इसको कहते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट। एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल्स कुड कोऑपरेट टूवर्ड्स अटेनिंग द ग्रुप गोल्स। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो कि लोग खुद से काम करें, दूसरों लोगों से कम्युनिकेट करें और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, जो आपके मकासद हैं उनको पूरा करके दें। यही मैनेजमेंट होती है कि आपने लोगों को इस काम पे लगा दिया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट। फिर एक आती है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। मैं पहली बात की थी कि मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजमेंट का काम फैसला लेना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है, कि आप कोई भी कोई डिसीजन लेते हो। मैनेजमेंट इंप्लाइज सब्स्टिट्यूशन फॉर एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट ओपिनियन इन ऑल मैटर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजमेंट के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करो और कोई डिसीजन लो, कोई फैसला लो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट। मैनेजमेंट पे प्रोडक्टिविटी आती है, रिजल्ट्स,
मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। प्रोडक्टिविटी ऐसे कि ये एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, इम्प्लॉयर के लिए भी और इम्प्लॉई के लिए भी, यानी जो इम्प्लॉयर है, जो हॉस्पिटल का ओनर है, डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हैं या हॉस्पिटल डायरेक्टर है, उसके लिए भी बेनिफिट मिले, वो भी खुश हो, और जो वर्कर है, चाहे वो नर्सिंग वर्कर है, कोई डॉक्टर है, कोई छोटा इम्प्लॉई है, उसको भी उससे बेनिफिट मिले। इसी को मैनेजमेंट क्या प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। खुद भी फायदे में रहो और दूसरों को भी फायदे में रखो, दैट इज प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, क्योंकि एक हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, कौन से सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। देखिए, दो तरह की कंपनी होती है, एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, एक कंपनी होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और हॉस्पिटल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों काम करती है, प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है और सर्विसेज भी देती है। प्रोडक्ट्स यानी आप हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह लेते हो, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज यानी वो आपको हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, आपको सेहत फराहम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये हॉस्पिटल का काम है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट कहता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, ये तो एक चीज है, बेस्ट रिजल्ट मिलना, लेकिन इसके साथ एक और चीज भी लाजमी है, वो है एफिशिएंसी, यानी चीपेस्ट वे। रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल हो और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, इसी को कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, इंटीग्रेट करना, चीजों को मिला देना। कैसे, एक हॉस्पिटल में जो है फिजिकल प्लांट तो एक हॉस्पिटल का है, ठीक है, इसके साथ साथ लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पे, लोग हैं। फिजिकल यानी मशीन्स और ह्यूमन दोनों को इस तरह से कोऑर्डिनेट करवा दो कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। यानी आपने अपने हॉस्पिटल में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए, बहुत ज़बरदस्त तरह के एक्सरे मशीन्स ले आए, बहुत एक्सीलेंट इक्विपमेंट है आपके पास, वो तो है, लेकिन साथ में आपको ट्रेंड पर्सनल भी चाहिए, बेहतरीन एक्सरे मशीन चलाने के लिए आपको ट्रेंड बंदा चाहिए। तो इस तरह ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों को इंटीग्रेट करवा के आप बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करो, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट इन गाइडिंग द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इनटू अ डायनेमिक हार्ड हिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यानी इंसानों के साथ साथ मशीन्स दोनों को इस तरह से डायनेमिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करो टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स टू द सेटिस्फेक्शन, कि आपको हॉस्पिटल के वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स मिले विद हाई डिग्री ऑफ मोरल एंड सेंस ऑफ अटेनमेंट ऑन पार्ट ऑफ दोज रेंडरिंग द सर्विस। जिन लोगों को सर्विसेज दी जा रही हैं उनको भी हाईएस्ट क्वालिटी की सर्विस मिले, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। इस तरह से आपने ह्यूमन रिसोर्स और मशीन्स दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या खसूसियात हैं, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप की जाती है, किसी एक पर्सन की नहीं की जाती, एक ग्रुप की शक्ल में मैनेजमेंट होती है, और इट शुड बी गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होना लाजमी है, कुछ गोल्स होना लाजमी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होना कि आपने क्या अचीव करना है। यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है। नीडेड एट द ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लाइन मैनेजमेंट हो यानी बिल्कुल स्टाफ से रिलेटेड हो, या मिडिल मैनेजमेंट हो जो कि मैनेजर से या असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड है, टॉप मैनेजमेंट हो जो कि हॉस्पिटल डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे रिलेटेड है, हर लेवल पे मैनेजमेंट की जाती है। और बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, वही चीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हर एक को अलग अलग से डिटेल में हमने डिस्कस करना है। फिर एक सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे आपको ह्यूमंस को डील करना पड़ेगा। तो जब ह्यूमंस को डील करते हो तो एक सोशल प्रोसेस बनता है। अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, कुछ लोगों के पास एक स्पेसिफिक अथॉरिटीज होंगी, अब बाज लोगों के पास डिफरेंट अथॉरिटीज होंगी, तो डिफरेंट अथॉरिटीज को देखते हुए आपने मैनेजमेंट करनी है। और एक डायनेमिक फंक्शन है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, दोनों ऑपोजिट है। स्टैटिक वो चीज़ है जो चेंज नहीं होती, डायनेमिक उसको कहते हैं जिसमें चेंजेस आती हैं,
टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, जिस चीज में चेंजेस आएंगी वो डायनेमिक होगा, एज वेल आर्ट्स एज वेल साइंस। अच्छा, मैनेजमेंट को आर्ट्स भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स के थ्रू आप कोई रिजल्ट निकालते हो। आर्ट्स क्यों है? क्योंकि क्रिएटिव काम है, क्रिएटिविटी आती है उसमें, अपनी आप बेहतरीन मैनेजमेंट करके एक क्रिएटिव काम कर सकते हो, एज अ प्रोफेशन ले सकते हो, एंड दैट इज इनटेंजिबल। ये कोई मशीन, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कोई मशीन नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है जिसको आप टच कर सको, ये एक इनटेंजिबल चीज़ है, नॉन टचेबल, जो अप्लाई हो सकती है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी आपके पास रिसोर्स है। देखिए इस रिसोर्स के वर्ड को समझो, ये मशीन्स को भी कहते हैं कि ये मशीन्स आपका एक रिसोर्स है। ये कैपिटल भी होता है, यानी जितने आपके पास फाइनेंस है, पैसा, वो भी आपका रिसोर्स है। इसके अलावा ह्यूमंस, जितने लोग काम करते हैं, आपका एम्प्लॉई, वो भी आपका रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मशीन्स एंड मटेरियल्स, ये सब आपका रिसोर्स है। मिनिमाइजिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट का काम है कि रिस्क को कम से कम करे। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, लोगों से बेस्ट काम ले, बेहतरीन काम ले। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, मैनेजमेंट फॉरकास्टिंग जरूर करे। आज के दिन के मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन वो आगे का क्या विजन रखते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या हैं उनके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, किस तरह वो डिवेलप कर सकता है। बेटर क्वालिटी गुड्स, अगर आपकी हॉस्पिटल में मेडिसिन आ रही हैं तो बेहतरीन क्वालिटी की है या नहीं। इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, कि एक सप्लाई चेन मैनेज हो, एक सप्लाई चेन मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन दे दी और पीछे ख़त्म हो गई। तो अगर मेडिसिन ही आपके पास नहीं है तो हॉस्पिटल वहीं पे रुक जाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेज करो कि एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको ऑलरेडी आप बल्क में मंगवा चुके हो और यूज़ हो रही है कंटिन्यूसली। डिसिप्लिन एंड मोरल, मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट, जो लोग ज़्यादा ट्रेंड हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको आगे मूव करो और लोगों को ट्रेन करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक जगह पे स्टैटिक ना रहो बल्कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करो, डेवलप करो। सो ये मैनेजमेंट का काम होता है कि मैनेजमेंट ये तमाम काम करेगी, लाजमन करेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका हॉस्पिटल है, आपने जब हॉस्पिटल बनाया या आपका जो हॉस्पिटल है जिसमें आप काम करते हो, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाजमी बने होंगे, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, चाहे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट है, पैसा है या ह्यूमन है, उनको वेस्ट नहीं करना। कॉस्ट को कम से कम रखना है, प्रॉफिट को इनक्रीज करना है। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, एक ऐसी सप्लाई चेन मैनेज करो कि बिजनेस चलता रहे, रुके नहीं। इनोवेशन, कोई ना कोई क्रिएटिविटी लेके आओ, कोई नई चीज़ को लेके आओ, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दो। चेंज और ग्रोथ, डायनेमिक रहो, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसे जैसे तब्दील होगा वैसे वैसे आपको अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। और सोशल बेनिफिट देखो, सिर्फ पैसा मत कमाओ बल्कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस आप कम्युनिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस कम्युनिटी को आपसे फायदा हो, सोशल बेनिफिट लाजमी देखो। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ की जाती है, किस लेवल पे की जाती है? सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग यानी अरेंजमेंट करना, स्टाफ, लोगों को हायर करना कि इनफ स्टाफ रहे, डायरेक्टिंग, फिर लोगों को बताना कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को डिपार्टमेंट्स में उसका काम बता देना, फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोगों से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाओ, यानी वो अपनी मर्जी ना करें बल्कि वो काम करें जो आपका ऑब्जेक्टिव है। रिपोर्टिंग, अच्छा जो भी काम होते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखो, ये काम इस टाइम पे हो गया, आज के ये काम हुए, कल को ये काम होने, हर चीज़ की रिपोर्ट हो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, सिर्फ जबानी काम ना हो। बजटिंग, जितना भी काम हो, कोई नया प्रोजेक्ट आए, सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल बजटिंग करो, क्या वो फिजिबल है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, क्या इतना स्टाफ मौजूद है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। तो पर्सोनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, मटेरियल्स की मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं।